कैसे हैं आप सभी। आप सभी का जो है स्टडी कूजर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन हमारे लिए शरीर के लिए ज़रूरी पोषक तत्व तो कैसे होता है और उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसके फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्रोटीन शरीर के लिए बहुत ज़रूरी पोषक तत्व तो होता है। यह हमारे शरीर के लिए कई कामों में मदद करता है, जैसे प्रोटीन से शरीर के ऊतकों का निर्माण और मरम्मत होती है। यह चयापचय प्रतिक्रियाओं को संचालित करता है, वह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखता है, यह पीएच द्रव और द्रव संतुलन को बनाए रखता है, यह पोषक तत्वों का परिवहन और भंडारण करता है, यह ऊर्जा स्रोत के रूप में भी काम करता है, यह हड्डियों, लिगामेंट्स और दूसरे संयोजी ऊतकों को स्वस्थ रखता है, यह मांसपेशियों के निर्माण में सहायता करता है, यह घाव व चोट को भरने में मदद करता है, यह त्वचा और बालों के लिए अच्छा पोषक तत्व है, यह दिमाग को तेज बनाता है। ये प्रोटीन जो होता है दोस्तों अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। शरीर में 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं जो हजारों तरह के प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। मतलब जो 20 तरह के अमीनो एसिड्स हैं वो कई प्रकार के प्रोटीन बनाने में हेल्प होती है हमारे शरीर में। प्रोटीन की कमी से कुपोषण रोग हो जाता है और जब कुपोषण हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे जो है व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरह से प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है और प्रोटीन के बिना कोई भी काम नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद में क्या है कि जो प्रोटीन होता है वो एंजाइम भी जो होता है वो भी एक तरह का प्रोटीन ही है। मतलब एंजाइम जो है हमारे शरीर में काम करते हैं वो भी एक तरह से प्रोटीन ही माने जाते हैं। तो इसलिए प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत सारे काम करता है। उसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे कि प्रोटीन जो है वह मतलब प्रोटीन की इम्पॉर्टेंस क्या है। प्रोटीन जो होता है वो रक्तचाप को भी नियंत्रित करने में और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में भी सहायता करता है। तो ये तो प्रोटीन की महत्व हो गए। इसी के साथ में हमारा ये जो टॉपिक है ये यहीं पर हम ख़त्म कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको मैं चलते चलते बता दूँ कि जो प्रोटीन है इसके स्रोत क्या हैं। तो प्रोटीन जो होता है ये दो प्रकार से प्राप्त होता है, पशु और पौधे दोनों से ही प्राप्त होता है। तो जो प्रोटीन हमारा पशु से प्राप्त होता है वो पूर्ण प्रोटीन की तरह हमारे लिए होता है और जो पौधों से प्राप्त होता है वो मतलब प्रोटीन तो होता है बट वो अमीनो एसिड जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं उसमें, और जो जानवरों से प्राप्त होने वाला प्रोटीन है उसमें एसेंशियल एसिड जो होते हैं वो अधिक पाए जाते हैं। और जैसे दही, मूंगफली और अंडा, दूध, ये सभी प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं। टोफू और ये सारी जो चिकन होते हैं, मीट होती है, इन सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में और अच्छी श्रेणी का प्रोटीन भी पाया जाता है। उसी तरह से अगर वनस्पति की बात करें तो सोयाबीन, दालें, फलियां, मटर, जितनी भी ये फली वाली सब्जियां होती हैं, दालें होती हैं, ये सब प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं। इसी के साथ साथ में मशरूम भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, और इसके साथ में जो सोयाबीन है ये भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। तो ठीक है, तो आप लोग को आप पता चल गया कि प्रोटीन की फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। ओके, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे फिनिश करती हूँ। धन्यवाद।